आज के सबक का नंबर है 13, जो इसके पहले आपके पास 12 सबक पहुंच चुके हैं, और आज का ये सबक नंबर 13 मजमून उर्दू। तो इसके अंदर हमने पहले असबाक में हरूफ तहजी से लेकर, दो चश्मे वाले हर्फ लेकर, और उसके बाद में दो आखिरी और तीन आखिरी, यहाँ तक के हमने अल्फाज पढ़े हुए, यहाँ तक के असबाक हमने पढ़े हुए। आज के सबक में हमें कौन सा काम करना है कि इन दिए गए अल्फाज के अंदर कौन कौन से हर्फ हैं, इसको क्या करना है, अलग करना है। यानी इससे क्या फायदा होगा कि हमें हर्फ के अंदर कौन से, इन हर्फों से कौन सा लफ्ज बनता है और इस लफ्ज में कौन कौन से हर्फ हैं, ये हमें क्या होगा पता लगेगा, और उसकी तरतीब भी क्या होगी हमें मालूम होगी। इस तरतीब की बिना पर हम क्या कर सकते हैं, अल्फाज को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर है बर्फ, क्या यहां पर लिखा हुआ बर्फ, और बर्फ के अंदर पहला हर्फ क्या है, बो, पहला हर्फ क्या है बो, दूसरा क्या है र, और तीसरा क्या है फ, यानी इसके अंदर कितने हर्फ हैं, एक दो तीन हर्फ हैं। तो इसकी तरतीब पहले तरतीब में ब है, दूसरे तरतीब में र है, और तीसरे तरतीब में फ है, और पहले तरतीब का गो र फो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन हर्फों की तरतीब को ध्यान में रखकर क्या कर सकते हैं, हम लफ्ज बना सकते हैं और लफ्ज पढ़ सकते हैं। अब यहां पर दूसरा लफ्ज है शर्म, शर्म क्या है शर्म, अब शर्म के अंदर पहला हर्फ क्या है, पहला हर्फ क्या है शो, पहला हर्फ क्या है शो, पहला हर्फ क्या है शो, है ना, पहला हर्फ क्या है शो, और दूसरा हर्फ क्या है र, दूसरा हर्फ क्या है र, और तीसरा हर्फ क्या है म, क्या है म। इस तरह से इसके अंदर कितने हर्फ है, तीन हर्फ है, कितने हर्फ है तीन। तरतीब में पहले नंबर पर श है, दूसरे नंबर पर र है, और तीसरे नंबर पर म है। तो इन तरतीब को ध्यान में रखकर हम पढ़ेंगे शर्म, शर्म क्या बना लफ्ज शर्म। अब तीसरा लफ्ज है तो रफ, अभी वो पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इन के अंदर से हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो ये पढ़ना क्या होगा हमारा आसान होगा। तो दूसरे नंबर पर र, तीसरे नंबर पर ओ, अभी इसको हम तरतीब लगाकर पढ़ेंगे, पहले तरतीब में पहले नंबर पर त है, दूसरे नंबर पर ड है, और तीसरे नंबर पर प है। तो पहला त ड प, तो ये इन हर्फों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, लफ्ज पढ़ सकते हैं। किस तरह से पढ़ेंगे, त ड प तड़प, किस तरह से पढ़ेंगे तड़प। अभी इसके बाद का लफ्ज है, पहला उसमें से हर्फ है स, पहला हर्फ क्या है स, दूसरा हर्फ है ड, और तीसरा हर्फ है क, इस तरह पहला हर तरतीब में स ड क। अब इन दोनों को, तीनों को जोड़कर पढ़ेंगे स ड क सड़क, क्या पढ़ेंगे लफ्ज सड़क। इसके बाद में अगला लफ्ज है, इसका पहला हर्फ है जो, दूसरा हर्फ है जो, और तीसरा हर्फ है म, तरतीब में पहला नंबर ज, दूसरा नंबर ज, और तीसरा नंबर म। अब इसको तरतीब से जोड़कर पढ़ेंगे ज ज म जजम, क्या पढ़ेंगे हम ज ज म जजम। अभी आखिरी लफ्ज है, इसका पहला हर्फ है हो, दूसरा लफ्ज है लो, और तीसरा हर्फ है को, तीसरा हर्फ क्या है को। अब तरतीब में पहला हर्फ हो, दूसरा हर्फ लो, तीसरा हर्फ को, हो लो को, हो लो को, हलक, क्या पढ़ेंगे इसको
हलक। इस तरह से हमें अल्फाज पढ़ने में क्या होंगे, ये भाषाओं की हमें मदद करेगी। इस तरह से अगर उन हरफों को हम तरकीब से अलग करेंगे और उन हरफों को जोड़ जोड़ कर पढ़ेंगे तो हम क्या है लफ्ज आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से हम क्या कर सकते हैं लफ्ज पढ़ सकते हैं। तो ये रहा आज का सबक नंबर 13। सबक नंबर 13 तो इसको क्या करेंगे हम अच्छी तरह से क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। यहाँ पर आपके लिए मस्की काम दिया जा रहा है, यहाँ पर अल्फाज देंगे, इन अल्फाज को क्या करना है आप क्या करना है इसको मुकम्मल करना है। मस्की काम अब यहाँ पर मैं इंसान के तौर पर चल रहा है, ये अल्फाज दिया, अब यहाँ पर ये क्या करना है मैं अल्फाज दूंगा, ये अल्फाज क्या करना है अपनी बयाज में, ये भी बयाज में उतारना है, आप दूसरे सफे पर क्या करना है इन अल्फाज को क्या करना है उतारना है और इसको क्या करना है इन अल्फाज से हरफों को अलग करना है। अब यहां पर पहला लफ्ज है चो म न, चमन, दूसरा बदन, तीसरा शरबत और चौथा पहला लफ्ज, पहला लफ्ज चमन, दूसरा लफ्ज बदन, तीसरा लफ्ज शरबत और चौथा लफ्ज है कदर की तरीका वो किताब। इसके बाद में अगला लफ्ज है बर्तन, गजरगी ललिता सो गिलास। इसके बाद में वो यो ग न, ग य ग न बैगन, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सात लफ्ज हो गए। इसके बाद क्या करना है मछली काम और फॉर्म को अलग करना है। इसके बाद में फजे की स स्कूल मैदान, कपड़ा, दबिश धूप, कलिका न दुकान, मालिफ म करिफ का, करिफ का न मकाम। इसके बाद में ओ तो न ग, ओ तो न ग, अब यहां पतन न को अगर दो हरफों के दरमियान न आता है तो उसको हम नाक से पढ़ना है पतन, क्या पढ़ेंगे हम उसको पतन। इसके बाद में ख र ग गो श, इस तरह से ये आपका मश्की काम जो घर पर क्या करना है मुकम्मल करना है, इनके अंदर से हरफों को अलग करने का करना है। इस तरह से खाका बनाकर
इस तरह से खाका बनाकर क्या करना है आपको लिखना है। और इसको पहला दिया हुआ काम पहले सफे पर करेंगे, दूसरा सफे दूसरे सफे पर ये काम करेंगे और तीसरे सफे पर ये काम करेंगे। तरतीब से करेंगे बगैर गलती किए और बगैर गंदगी किए, यानी लिखाई की बनावट को ध्यान में रखकर क्या करना है उसको मुकम्मल करना है। तो ये आज का सवाल नंबर 13 रहेगा और इसको क्या करना है आप मुकम्मल करना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जरूरी बात ये है कि इसके फोटो और वीडियो क्या करना है मुझे सेंड करना है। और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छी तरह से अपना काम वक्त पर कर रहे हैं और उनके वालिदैन उनकी मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है। मगर चंद गिने चुने जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर मैं नाम नहीं बताऊंगा, मगर यहाँ पर चंद गिने चुने जो बच्चे हैं वो बिल्कुल इस ग्रुप के अंदर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इससे वक्त निकल जाएगा, ये वक्त आपका निकल जाएगा, मगर जब स्कूल शुरू होगी उस वक्त आपको क्या होगी इसकी तकलीफ, यानी जो गुजर गया वक्त उसके अंदर जो काम नहीं किया गया वो उसका नुकसान आपको स्कूल शुरू होने के बाद उसका एहसास होगा। यहाँ पर काम इस हालत में, यानी जो बीमारी है इस हालत में, जो बीमारी के फैलने के जो जरा है, जिस जो बीमारी फैल रही है, तो इसकी वजह से हुकूमत ने क्या किए पूरे शहरों के दुकानों को बंद कर दिए, पूरे शहरों के दुकानों को बंद कर दिए, मगर आपकी पढ़ाई का नुकसान न हो इसलिए हम क्या करें फिक्र से उस हालात में, यानी रास्ते पर हमें पुलिस वगैरह तहकी करती है, फिर भी हम क्या है स्कूल के बच्चों की फिक्र में क्या है आकर आपका काम दे रहे हैं और इसके पीछे इतनी सारी वक्त लगाकर आपके सामने दे रहे हैं। तो आपका काम है कि क्या करना है इसको काम सफाई के तौर सफाई के साथ मुकम्मल करना है। जो हजरत जो सरपरस्त हैं इस ग्रुप के अंदर, जो बिल्कुल जब से ग्रुप में शामिल किया गया है तब से अभी तक उनका काम बिल्कुल नहीं आया, ये चंद पालक हैं, चंद सरपरस्त हैं जो आज तक पूरा काम यानी बिल्कुल काम नहीं बताया। इनका नाम न जाहिर करूंगा न जाहिर नहीं होगा, मगर आज से तो क्या करो आप इन बच्चों का नुकसान मत करो और आज से फिक्र से क्या करो आज से ही काम उसका क्या करो मुकम्मल करो। और इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं आप क्या कर सकते हैं यूट्यूब पर शाहीन स्कूल करार ये डालकर क्या कर सकते हैं पिछले पूरे असबा क्या कर सकते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इतना आज का तुम्हारे घर का हमारा असलाम।